हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गोवा की उस इंटरेस्टिंग जगह में ले चलूँगा जहाँ पर आज तक ना तो आप गए हो और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। ये टूटी फूटी बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल गोवा में स्थित हैं, और ये टूटी फूटी नहीं है, ये प्राचीन काल की बिल्डिंग्स हैं। और इसके बाद ये भी दिखाऊंगा आगे कि यहाँ पर गोवा में यहाँ पर एक अनजान प्लेस में लड़कियाँ क्या कर रही थी। तो आगे चल के मैं वो सब कुछ दिखाऊँगा, लेकिन पहले आप देख सकते हैं इन गलियों को। इन गलियों में अगर आप आए हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम श्योर, 100% श्योर हूँ कि आप यहाँ पर नहीं आए होंगे और ना ही किसी ने आज तक बताया है, क्योंकि मैं YouTube में देखता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और दिखाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाते, उनका क्या जाने वाला है। लेकिन आज मैं आपको ये जगह ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि ये आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आपको 100% जानना चाहिए। अगर आप सिंगल लड़के या लड़कियाँ हैं तो आपको 100% जानना ज़रूरी है कि बाई मिस्टेक आप कहीं फिर से उस जगह ना चली जाए जहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैं पंजिम सिटी के सेंटर में स्थित है, और सेंटर से मैं इस प्लेस को जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ से किस तरफ जाना है। आपको वाई वॉक ही जा सकते हैं या फिर स्कूटी या बाइक लेके जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आवर लेडी ऑफ कॉन्सेप्शन जो फेमस चर्च है पंजिम सिटी में, ये मेरे लेफ्ट साइड वो है, और आगे चल के राइट साइड में आपको दिखाता हूँ पूरी बिल्डिंग। एक वो ब्लू कलर की पुर्तगीज ज़माने की एक बिल्डिंग दिख रही होगी, और आप सोच रहे होगे, और एक इसके लेफ्ट साइड से एक रास्ता गया है, यहाँ पे नहीं जाना है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे रूट फॉलो करना है और किस रूट से जाना है। वो सामने जो ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है उसे आइडेंटिफाई करना। और आप सोच रहे होंगे क्या इसका पेंटिंग चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग अपनी पेंटिंग कभी चेंज नहीं करते। अगर ये ब्लू है तो ये हमेशा ब्लू ही रहेगी जब तक ये बिल्डिंग रहेगी। तो ये पुर्तगीज ज़माने की एक बिल्डिंग है, और राइट साइड आपने देखा, और लेफ्ट साइड मैं इसे छोड़ते हुए चर्च को, फेमस चर्च को छोड़ते हुए आगे चल रहा हूँ। अगर आपको इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में जानना है, और इस चर्च के बारे में और कुछ भी जानना है, इस चर्च के अंदर का व्यू देखना है, तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं इस चर्च को लेफ्ट साइड छोड़ते हुए आगे जा रहा हूँ, और वो राइट साइड वो आप ब्लू कलर की बिल्डिंग है उसे आप देख सकते हैं, और एक रोड इस स्ट्रेट गई है। इस स्ट्रेट रोड में नहीं जाना है, मुझे इस रोड में जाना है जो कि लेफ्ट साइड गई है। तो इस रोड में जाओगे तभी आपको वो जगह मिलेगी जो मैं आपकी दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं पीछे से दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वो मैं पीछे मुड़ के दिखा रहा हूँ, जस्ट आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर की बिल्डिंग है जो मेरे जस्ट सामने दिख रही है, क्योंकि मैं पीछे की तरफ खड़ा हूँ, और मुझे जस्ट अपोजिट साइड जाना है, उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट साइड वाली रोड में आगे जाना है। और आगे चल के मैं आपको उस जगह को दिखाऊँगा जहाँ की आप जाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल पंजिम सिटी में स्थित है, और कोई नहीं बताता यहाँ पे। बिल्कुल नए यूट्यूबर को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ ये भी होता है और यहाँ ये भी जगह है। तो इसलिए मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई नहीं गया है। मैं जस्ट इस जगह पे आ गया हूँ, उस रोड में आगे चलते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आप स्कूटी या बाइक से भी आ सकते हैं। तो मैं पैदल चलते हुए जस्ट यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर चल के आपको ये बात बताता हूँ। आगे चलने से पहले मैं इस के बारे में बताने वाला हूँ, ये कि कुआं दिख रहा होगा, कुआं मतलब वेल, ये बिस वेल बोलते हैं, ये जो कि क्रिश्चियन लोगों की एक फेमस वेल है यहाँ पे, कुआं जो कि क्रिश्चियन लोगों की मान्यता है कि बिस वेल है, अगर यहाँ पे कोई विश मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। और ये चारों तरफ क्रिश्चियन लोग बसे हुए हैं, क्रिश्चियन नहीं, वो भी पुर्तगीज लोग अभी भी बसे हुए हैं यहाँ पे। ये सारी एक पुर्तगीज कॉलोनी है पंजिम सिटी के अंदर, और पुर्तगीज कॉलोनी के अंदर क्या होता है वो मैं आगे चल के दिखाऊँगा क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कपल बैठे यहाँ पे अनजान प्लेस में, तो मैं इनको कवर नहीं करूंगा और आगे चल के मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आगे से आप देख सकते हैं कितने सारे लड़के और लड़कियां, कपल, इंडियन और विदेशी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अनजान जगहों पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे दिखाया कपल बैठे थे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको पहले आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इन बिल्डिंग का कलर कभी चेंज नहीं होगा, ये लोग हर साल रिनोवेट करते हैं, मतलब हर साल अपनी बिल्डिंग्स को कलर एंड पेंटिंग करते हैं। एक छोटा सा कैफे आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर विदेशी लोग भी, जैसा कि आप देख सकते हैं विदेशी लोग भी आ रहे हैं यहाँ
यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस कॉलोनी की एंडिंग पॉइंट में आ चुका हूँ, इस एक एरिया की एंडिंग पॉइंट में। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको बाउंड्री जंप करना पड़ेगा, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके पीछे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये अब ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल पुर्तगीज ज़माने की एक बिल्डिंग है, और यहाँ पर पुर्तगीज लोग यहाँ पर रहते थे और यहीं पर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते थे। और पुर्तगीज लोगों की ये कॉलोनी इसलिए बनाई गई थी कि क्योंकि जब पुर्तगीज लोग यहाँ पे थे तो उनको इंजॉय करने के लिए क्या चाहिए, उनके लिए इंजॉय करने के लिए एक जगह चाहिए, तो यहीं पे सब उनका कैफे बार सब कुछ यहीं पे रह होता था, और यहीं पे वो लोग रहते थे, और जो बड़े बड़े अफसर थे सारे लोग यहीं पे पुर्तगीज लोग यहाँ पे रहते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्योंकि आपको पता है कि गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ है, और सबसे पहले भारत के और पार्ट पहले ही आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन ये 1961 में आज़ाद हुआ है जैसा कि आप सभी को पता है, और इसलिए यहाँ पर आज भी पुर्तगीज भाषा बोली जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, पुर्तगीज भाषा आपने बिल्कुल सही सुना, पुर्तगीज भाषा गोवा की इस जगह में आज भी बोली जाती है, और यहाँ पे रहने वाले लोग अपने को पुर्तगीज ही बोलते हैं, और यहाँ पे सारे 100% ए टू जेड पुर्तगीज लोग हैं, पुर्तगीज रेसिपी, पुर्तगीज कल्चर, पुर्तगीज बिल्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सब कुछ पुर्तगीज ही है। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल पुर्तगीज ज़माने की है, और बिल्कुल ये सजो कर रखे हैं, डेकोरेट करके रखे हैं, और पुर्तगीज जो संपदा है उसे मेंटेन करके रखा है इन लोगों ने, और अभी तक ये लोग वही रूल्स रेगुलेशन और पुर्तगीज कॉलोनी के जो मोहल्ला का रूल्स होता था वही अभी तक फॉलो करते हैं, और इसीलिए इन्होंने एक आगे चर्च भी बना रखा है, बहुत बड़ा चर्च है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आगे भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भीड़ क्यों लगती है और उन सारी जगहों के इसके बारे में मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ पर होता है। तो इस पतली जगह में आप अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने रिस्ट्रिक्ट भी किया है कि मेरे घर के सामने मत करो, लेकिन बहुत सारे लोग तो भी कर लेते हैं क्योंकि ये भाई इंडिया है, तो यहाँ पे मानने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यहाँ पे फोटो या वीडियो ना बनाया जाए। जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्टर फोंसेका लेबोरेटरी, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि सब लोग क्रिश्चियन हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का एक बहुत अच्छा प्रतीक है जो कि यहाँ पे एक चर्च है, बहुत ही विशाल चर्च है, और यहाँ पे आकर आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एक छोटा सा कैफ़े है जो कि बहुत ही महंगा है, और यहाँ की बात की जाए तो ये बहुत सारा बिल्कुल कॉस्टली एरिया है जो कि बिल्कुल पंजिम सिटी के सेंटर में स्थित है, और यहाँ पर आकर आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े मूवियों की शूटिंग होती है, बहुत सारी फिल्मों की, लोकल फिल्मों की और इंटरनेशनल के साथ साथ इंडियन बॉलीवुड मूवीज की भी यहाँ पर शूटिंग होती है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हो सकता है आगे अगर दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले आप ये देख सकते हैं कि कॉलोनी कैसे ये बनाया गया है, किस तरह के स्ट्रक्चर है, ये कलाकृति आप देख सकते हैं घर का, ये जो है ये इस तरह के जो घर बने होते हैं पुर्तगीज कॉलोनी को प्रतीक है और पुर्तगीज संपदा है ये, और ये लोग मेंटेन करके रखे हैं। ऐसी जो विंडोज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी पूरे इंडिया में, जो कि आप केवल यहीं पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं राइट साइड चल के आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी कार है, और यहाँ पे रहने वाले जितने भी पीपल हैं ना बहुत ही अमीर हैं, या तो इनको फॉरेन से फंडिंग होती है या फिर ये कुछ होती है, या फिर जो पुराने जो पुर्तगीज लोग थे उन्होंने जब यहाँ पे रूल था शासन था तो हो सकता है उन्होंने जॉब दे दिया था आई थिंक, इसीलिए ये लोग बहुत ही रिच हैं। और मैं आगे चल के थोड़ा पीछे अभी चलूँगा, बैक चलूँगा, और बैक चल के मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास करूँगा इस चर्च की सुंदरता को। और इस चर्च के पीछे ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ क्यों रहती हैं, ये सवाल मेरे मन में तो ज़रूर आ रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी एक बार सोचने का और दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ क्यों खड़ी हैं। और गोवा में आपको हर जगह ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हों और बहुत सारे ऐसे सुनसान प्लेस में खड़ी हों, तो वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये चर्च को आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल प्योर वाइट है, इसमें एक भी डस्ट नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड प्योर वाइट से यहाँ पर पूरी मेनटेन किया जाता है इनके द्वारा, और ये इनकी कॉलोनी है। यहाँ पर शाम को ये गेट ओपन होता है और ये सारे पुर्तगीज लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी प्रेयर या जो
भी होता है वो करते हैं। मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट जो भी इनकी जो प्रेयर वगैरह है वो ज़रूर करते हैं यहाँ पे, और डेली ओपन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं राइट साइड कुछ अजनबी लड़कियाँ खड़ी हैं, तो इनके बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि राइट साइड मेरे हैं, लेकिन आप चर्च को पीक टू बॉटम आप देख सकते हैं, और इस चर्च के राइट साइड जस्ट एक बहुत सारी बिल्डिंग है, कि सुनसान सा रास्ता है वहाँ पर, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं। चलो आगे चल के मैं आपको देखने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, गोवा के इस जगह पर ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं। ए 1 2 3 4 5 पांच लड़कियां हैं जी, देख सकते हैं आप ये पांच लड़कियां क्या कर रही हैं। अच्छा, ये तो फोटोग्राफी कर रही हैं, आई थिंक ये फोटोग्राफी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग शूटिंग के लिए ही आते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर मूवी रील्स फोटोज वीडियो और सब चीज़ की शूटिंग होती है। आप देख सकते हैं इस घर की सुंदरता को, इस ये घर का सुंदरता को देखो, कलर को देखो, कितना मेंटेन किया गया है, और ऐसी जगह आपको गोवा में कहीं नहीं मिलेगी। और इस जगह का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो फोंटेन हास नाम से सर्च कर सकते हो, और फोंटेन हास पंजिम सिटी के सेंटर में स्थित है, और यहाँ पर आप कर आप अपनी गोवा ट्रिप को इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।